अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? खाकसर मौजूद है, खाकसर कैमरा मौजूद है और आज का ब्लॉग कुछ इस बारे में। आज का ब्लॉग नहीं, बेसिकली आज एक गाइड वीडियो है कि आजकल जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स की प्राइसेस इतनी हाई हो चुकी हैं, तो ऐसे मौके पे मैं आपके लिए लाया हूँ एक बजट गेमिंग स्लैश एडिटिंग पीसी। अब जो पीसी मैं आपको बताने लगा हूँ वो अराउंड 35 to 36K तक लाई करेगा और वही एग्जैक्ट सेम पीसी है जो मैं अपने पास यूज़ कर रहा हूँ। और मैं गेम्स खेलता हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो पे एडिटिंग करता हूँ और मुझे इस कार्ड से कोई मसला नहीं है। सारे गेम्स मेरे 1080p पे 60fps पे आराम से चल जाते हैं, मसला मुझे कोई नहीं होता है। सिर्फ मैंने दो चीज़ें चेंज की हैं कि मेरे पीसी में 16GB रैम है और जो मैं आपको बताऊंगा उसमें 8GB रैम है। और मेरे पीसी में RX 562GB लगा हुआ है और जो मैं आपको बताऊंगा उसमें RX 574GB होगा। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा कि RX 574GB आजकल के प्राइसेस में 22 to 25K तक पहुँचा हुआ है, तो फिर 35K की बिल्ड में कैसे ऐड करेगा भाई, कैसे ऐड करेगा? टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका भाई मौजूद है, आपका भाई बताएगा आपको। तो आ जाते हैं इस पीसी के सबसे पहले कंपोनेंट पे और पीसी के दिल पे, पीसी की जान पे, प्रोसेसर i5 2400 2400 इसमें यूज होगा, 3.1 GHz और बूस्ट क्लॉक चली जाती है 3.4 GHz तक और सम केसेस रेयर केसेस होते हैं जिनमें 3.5 GHz भी अचीव कर लेता है। तो ये प्रोसेसर आपको मिलेगा 3800 से 4000। उसके बाद आते हैं इसके मदरबोर्ड पे, मदरबोर्ड इसमें यूज होगा H61 2 रैम स्लॉट मदरबोर्ड है, मैक्सिमम सपोर्ट करता है 16GB रैम, ये आपको मिलेगा 3.5K का। अब आ जाते हैं रैम पे, क्योंकि ये मदरबोर्ड सिर्फ दो ही रैम स्लॉट है तो हम इस पे एक ही रैम की स्टिक यूज करेंगे और वो होगी 8GB। अगर आप चाहते हैं तो आप 4-4 की दो लगा लें, पर मेरा मशवरा ये है कि 8 की 1 लगाएं, फिर जब बाद में आपकी इस्तेमाल हो तो फिर 8 की 1 और लगा लें तो आपको 16GB पे चला जाएगा। आई वाला मशवरा, तो इस पे 8GB रैम होगी जिसकी प्राइस होगी 5.5K, जो कि DDR3 1600 MHz। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट कॉम्पोनेंट आती है आपकी हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव इसमें 500GB की यूज होगी क्योंकि हम इसमें SSD भी यूज कर रहे हैं। SSD आजकल के जमाने में यार बहुत लाजमी हो गई है। SSD ना हो तो आप फोटोशॉप या प्रीमियर प्रो खोलो और आप बाथरूम चले जाओ या खाना खाने चले जाओ, फिर वापस आ जाओ, तब तक भी लोडिंग स्क्रीन पे होता है। तो अब SSD कंप्यूटर का एक जरूरी कंपोनेंट हो गया है, इसलिए हम इसमें लाजमी ऐड करेंगे। SSD यूज होगी इसमें 1 to 8GB की और हार्ड ड्राइव यूज होगी 500GB की। SSD 1 to 8GB की आपको सैमसंग या ADATA की सेकेंड हैंड मिल जाएगी 4.5K तक और हार्ड ड्राइव आपको 500GB की मिल जाएगी 1.5 to 1.6K तक। एक जमाना था जब 1200 की मिल जाती थी, पर अब 1500-1600 की। अब आ जाते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स तो हो गए, पर इनको बिजली कहाँ से देगा रे बाबा? तो इस पे लगेगी 450W की पावर सप्लाई जो आपको मिलेगी 3000 की, हाँ पूरे 3000 की। और अब ये सारी चीज़ें डालेगा किस में? केस में। तो केस कितना का आएगा? केस आएगा इसमें, क्योंकि ये बजट बिल्ड है तो इसमें शशके वशके होंगे नहीं, RGB लाइटें और फैंस ये नहीं होंगे। सिंपल केस लेंगे अच्छे एयर फ्लो के साथ, वो आपको मिल जाएगा 1.5K तक, मतलब 1500 में आपको केस अच्छा वाला, बेहतरीन वाला, जो गुड एयर फ्लो के साथ मिल जाएगा। अब चूंकि सारे कंपोनेंट्स हो गए हैं सिवाय ग्राफिक्स कार्ड के, तो हम इसको समअप करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास बजट कितना है ग्राफिक्स कार्ड के लिए। बाकी समअप करेंगे तो उसकी प्राइस आएगी 22,000 से 23,000 के बीच में, तो फिर हमारा ग्राफिक्स कार्ड का बजट बच जाता है 13 से 14 हज़ार। अब ये 13 से 14 हज़ार में अगर किसी को RX 570 चाहिए तो वो क्या करे? वो सबसे पहले डाउनलोड करे AliExpress। AliExpress आपने डाउनलोड किया, अब आप खोले और उसको सर्च करें RX 574GB, आपको प्राइस मिलेंगी 13,000, 13,500, 14,000। XFX का होगा वो। XFX एक वेंडर है, जैसे MSI, Gigabyte, Sapphire वेंडर्स हैं, वैसे XFX भी एक वेंडर है। अच्छे कार्ड्स होते हैं, कोई मसला नहीं होता है, पर अगर आपका दिल मुतमईन नहीं होता, आपको Sapphire का ही चाहिए, तो Sapphire का ले लें। Sapphire का आपको मिलेगा RX 574GB 15,000 तक का। थोड़ा सा बजट आपका बाहर जाएगा पर मिल जाएगा। AliExpress में आपको एक और ऑप्शन भी मिल जाता है RX 474GB, जो कि RX 574GB से इतना सा पीछे, मतलब कम छोटा है, पर अच्छा कार्ड है वो भी। वो अगर आप चेक करते हैं तो Sapphire का आपको वहाँ पे 13 से 14 हज़ार का मिल जाएगा और XFX का आपको मिल जाएगा 12 से 12.5 हज़ार का, जो कि प्राइस पाकिस्तान में भी पहले वही थी, अब ज़्यादा हो गई।
AliExpress पे शॉप करने का मसला एक ये है कि कस्टम लगेगा शायद, आए ना आए शायद, और अगर आ गया तो फिर डेढ़ दो महीना कौन वेट करेगा। तो जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, कस्टम उन चीज़ों पे लगता है जो 20,000 की प्राइस रेंज के ऊपर लाया करती हूँ। कंप्यूटर कंपोनेंट्स पे कस्टम लगता है 3%, और जो कॉन्सोल्स वगैरह PS और Xbox वगैरह जो कॉन्सोल्स हैं उन पे लगता है 20%। अब ये पता नहीं क्यों है 20% उनमें क्यों है, 3% इसमें क्यों है। बहरहाल कंप्यूटर कंपोनेंट्स की अच्छी बात यह है कि उनपे सिर्फ 3% लगता है। अगर आप 14,000 की चीज़ मंगा रहे हो और उनपे 3% कस्टम लगता है, तो 14,000 × 0.03 ₹420 कस्टम देना पड़ेगा आपको। पर पाकिस्तानी कस्टम है, कुछ कह नहीं सकते। अगर आपका पैकेज बड़ा हुआ और कस्टम वालों की नज़र में आ गया तो फिर वो उसको खोलेंगे, क्योंकि उनके पास राइट्स होते हैं। वो खोलेंगे, चीज़ देखेंगे उसमें, अगर वो देखेंगे क्या ये चीज़ 20,000 से ज़्यादा वर्थी है, अगर हाँ तो उस पर कस्टम लगेगा, अगर नहीं तो उस पर कस्टम नहीं लगेगा। पर पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है कि AliExpress पे कैसे शॉपिंग करें, क्या चीज़ मंगाएं, क्या चीज़ ना मंगाएं, क्या करें क्या ना करें, तो मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। वो वीडियो है यार रामेश की। उन्होंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है कि AliExpress पे कैसे शॉपिंग करें, क्या मंगाएं, क्या नहीं मंगाएं, कस्टम लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, फलाना ढिमकाना, सब कुछ उन्होंने पूरा डिटेल में बताया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर किसी को AliExpress तब भी नहीं भाता तो वो क्या करे, वो अब ये करे कि अपने 13,000 से 14,000 के बजट में ले ले RX 560 2GB, पाकिस्तान से ही आपको मिल जाएगा 12,500-13,000 तक मिल जाएगा। RX 560 2GB आई एम करंटली यूजिंग, और मुझे कोई शिकायत नहीं है इससे। मैं गेम्स खेलता हूँ, मैं एडिटिंग करता हूँ, एडिटिंग प्रीमियर पे, आफ्टर इफेक्ट्स पे, फोटोशॉप पे, अच्छा चल रहा है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मुझे 1.5 साल हो चुका है इस कार्ड को लिए हुए। मैंने यहीं से पाकिस्तान से लिया था रीगल में, स्टार गेमर्स है उनसे। ये वाला कार्ड भी आपको सारे गेम्स, ऑलमोस्ट सारे गेम्स 1080p पे 60fps पे आराम से चला देगा, मीडियम सेटिंग्स पे, मीडियम या फिर लो सेटिंग्स पे। हाई और अल्ट्रा पे ये नहीं जाएगा, जाएगा तो फिर FPS ड्रॉप्स हो जाएंगे बाई इंग्लिश RPG। अगर हाई अल्ट्रा पे करोगे तो फिर FPS ड्रॉप होंगे। अब आप डिसाइड कर लेंगे आपको AliExpress से कार्ड लेना है या तो पाकिस्तान से कार्ड लेना है। और मैं करता हूँ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म। होप इट हेल्प्स यू। और अगर चैनल पे पहली मरतबा आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं बेसिकली ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ। ये वीडियो मैंने किसी के कहने पे बनाई थी, रिक्वेस्ट आई थी। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट हो या कुछ भी सवाल हो या AliExpress के बारे में कुछ भी आप जानते हो कि शॉपिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कस्टम लगता है नहीं लगता, क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ भी आपको पता हो अगर, तो कमेंट में बता दीजिएगा कि किसी का भला हो जाएगा। और कोई भी सवाल हो आपका तो डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं देखूंगा, रिप्लाई करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता दें कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, या फिर बस कमेंट करते हैं कि और भी ऐसी वीडियो बनाऊं, मैं बना दूंगा, मसला नहीं, मेरे लिए कोई भी मसला नहीं। तो ये वाली वीडियो ख़त्म करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर। बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।